सामान्यतया लोगों को ये कहते सुना है ना कि जब दुख आते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान की ही मर्जी थी, हमारे भाग्य में यही लिखा था, और जब सुख आते हैं तो, या कोई अगर सफलता प्राप्त हो गई तो अपने वो अहंकार को श्रेय देते हैं कि देखो कि मैंने किया, कि मैंने ये कॉम्पिटिशन पास किया, या मैंने ये जोड़ रहा, ये संपत्ति जोड़ी, या मैंने इस प्रकार का ये कार्य किया है। और वो जहाँ तात्पर्य है कि जहाँ उन्हें सफलता मिली तो अपने अहंकार को श्रेय दे देना, और जहाँ उन्हें असफलता मिली, दुख मिला, तो वहाँ वो भगवान को दोष दे देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सब भगवान के हाथ में है। ब्रह्मा जी ने लेख लिख दिया, छठी के दिन लिख दिया महाराज, अब जो लिखा तो लिखा है, वो तो भुगतना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा इन प्रारब्ध कर्मों पर एक अंतर्दृष्टि डालना आवश्यक है। जीवात्मा जब इस संसार में आता है जन्म लेकर करके, तो वो एक खाली हाथ नहीं आता है, ब्लैंक पेपर बन के नहीं आता है, वो अपने साथ में बहुत बड़ा भंडारण लेके आता है, क्योंकि अनंत जन्मों से वो जन्म लेते आ रहा है, अनेक योनियों में भटक के आ रहा है। जब मनुष्य योनि में आता है तो उससे आने से पहले वो पता नहीं कहां कहां गया होगा, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक वो था, तो उन सब में वो मनसा वाचा और कर्मणा जो भी कर्म किए जाते हैं वो बीज के रूप में, संस्कार के रूप में उसके अचेतन की गहराई में एकत्र रहते हैं। और उसको अभी मॉडर्न लैंग्वेज में आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, आपके पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर है आपके पास में, या आपके पास में बड़ा मोबाइल है, ये आईपैड वगैरह, इसमें आप जब देखते हैं कि जो कुछ भी आप इसमें फिट करते हैं तो वो एक प्रकार से ऑटोमेटिक वो आपके गूगल में डिपॉजिट हो जाता है, सेव हो जाता है। अब लेकिन इसमें तो आप अपने वो डाटा पैक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वहां छूट नहीं है, वहां वो ऑटोमेटिक है, वहां जैसे आपने कोई फील्ड में फीड किया था, जैसे कोई मनसा वाचा और कर्मणा कोई भी कर्म किया वो आपके अचेतन रूपी गूगल में चले गया, और उसी में से जब अंतिम, इससे पहले जो पहला जन्म है इस जीवन से, उस जन्म में अब उसने जो अपने जीवन में किस प्रकार की भावनाओं से उसने कर्म किए, दैवी गुण के आधार पर कर्म किए, भौतिक रूप से कोई कर्म करे वो शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिकता उसकी क्या थी, दैवी गुण के रूप में किया या असुरी गुण के रूप में किया, मतलब वो जैसे कि उसने भेड़ी के बाहरी रूप से उसने एक सज्जनता वाला कार्य किया और मन उसका भेड़िया बना हुआ है, बाहरी रूप से वो एक्टिव था, भीतर से वो इनएक्टिव था, अजगर के समान था, अनेक प्रकार से। तो उसी के अनुसार में अंतिम समय में दैवी विधान में, जैसे कि इसको हम कहेंगे कि ये परमात्मा के हाथ में है, दैवी विधान में, एक डिवाइन विधान में, उसके जो अचेतन मन में जो संस्कार हैं गूगल की गहराई में है, उसमें से कुछ पोर्शन मैच्योर हो जाता है, अर्थात जीवात्मा अगले जन्म के लिए शरीर धारण करने के लिए, उन्नति करने के लिए, अब ये उन्नति भौतिक रूप से अवनति हो सकती है, उसको मनुष्य की योनि छूट करके वो पशु योनि में जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो उन्नत हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है उसमें, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को जानना है, इसलिए वो उसके लिए जो उचित है वही डिवाइन प्लान में होगा। उसमें से अब कुछ कर्म मैच्योर हो जाते हैं, मतलब परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्व वही होते हैं कि जैसे उसने पिछले जन्म में उसकी धारणा थी, और वो परिपक्व कर्म उसके कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म, फ्रूक्टिफाइंग एक्शंस। बहुत सारा विशाल भंडार है गूगल में, उसमें से थोड़ा सा दे दिया गया है, और वो जो कर्म है, वो जो प्रारब्ध कर्म है, वो जाति आयु और भोग के लिए उत्तरदायी रहते हैं कि उसको अब वो जीवात्मा को शरीर के माध्यम से कौन सी जाति मिलेगी, पशु की जाति मिलेगी, कीड़े की जाति मिलेगी, मनुष्य की जाति मिलेगी, अफ्रीका में उसका जन्म होगा अफ्रीकन जाति मिलेगी, या वो कौन से धर्म में आएगा, ये सब उसका वो
जाति उसकी वो तय होती है उन्हीं कर्मों के अनुसार में, क्योंकि वही कर्म मैनिफेस्ट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, मेटेरियलाइज हो जाते हैं। आयु, अब जन्म और उसकी मृत्यु फिक्स हो जाती है। हाँ, मृत्यु में वो थोड़ा बहुत अपने आप को परिवर्तन कर सकता है, यदि अगर वो शुभ कर्म कर रहा है दैवी गुणों के आधार पर तो उसकी आयु में थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। अगर वो उसी बीच में अगर अशुभ कर्म करेगा उसमें डूब जाएगा तो वो उसकी आयु में कमी हो जाती है। और भोग का तात्पर्य कि अब जन्म से लेकर के मृत्यु तक अब उसे क्या बनना है, कौन सा प्रोफेशन उसके लिए बनना है, साधु बनना है, व्यापारी बनना है, ऑफिस में काम करने वाला बनना है, या मजदूर बनना है, या अनेक प्रकार के जो दुख सुख आने वाले हैं, परिवार कैसे मिलने वाला है, परिजन कैसे मिलने वाले हैं, स्थान कैसे मिलने वाला है, वो उसका भोग है। मतलब विभिन्न प्रकार के जो अनुभव है, अनुभव में वो अपने पुरुषार्थ से परिवर्तन कर सकता है। इसके अनुसार में अब आप ये नहीं कह सकते हो कि बालक, क्योंकि पेरेंट्स माँ बाप के घर में अगर बालक अपंग आ जाता है, अपाहिज हो जाता है, तो वो माँ बाप की गलती नहीं है, दोष माँ बाप का नहीं है, बल्कि उसी जीवात्मा ने, उसी बालक ने इस अनंत ब्रह्मांड में, एक ही पृथ्वी ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ऐसी पृथ्वियां हैं, और अभी अनंत जीवात्मा सूक्ष्म रूप में अभी भ्रमण कर रही है देह धारण करने के लिए, और देही विधान में उसी के कर्मों के अनुसार में जो उसके प्रारब्ध कर्म उसको पहले दे दिए गए थे, उसी कर्मों के अनुसार में अब देही विधान में उसको उसी पर्टिकुलर घर में दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है उसी पेरेंट्स के घर में। कोई ये हौच-पौच नहीं है, कोई अचानक नहीं आ जाता है, सब देवी विधान में, सब एक पूरा का पूरा एक, जैसे कि बहुत बड़ा एक कंप्यूटर है और उसमें सब कुछ इतना ऑटोमेटिक चल रहा है, स्पॉन्टेनियस चल रहा है, और बड़ी एकाग्रता से वो चल रहा है कि वो उसको ठीक वहीं पहुंचा दिया जाता है। बालक ने पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे को यहां उन्नति हो सकती है। संगीतकार है तो संगीतकार के घर में संगीतकार बच्चा आ जाएगा, बचपने से ही वो उसको उसकी जो अंगुलियां सितार में घूमती हैं, तबले में घूमती हैं, बड़ा विलक्षण उसमें वो एक प्रतिभा आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने छाटा है अपने पेरेंट्स को अपनी उन्नति करने के लिए। यदि अगर बालक का जन्म अगर अनुचित थोड़ा सा बाहरी रूप से गलत घर में हो गया है, कि माँ बाप जैसे निर्धन है, या बालक ने या किसी ने अधिक पढ़ लिख लिया, नौकरी छोटी मिली या नहीं मिली, विवाह में कुछ उल्टा सीधा हो गया, संतान नहीं हो पाई, संतान बिगड़ गई, तो उसमें काम ने कोई सुख दुख कर दाता, सब निज कर्म करे ही सब रहता, सब अपने कर्म का वो उसको अपने आप को अपनी फिल्म को देखना है। ये आपका भाग्य है, ये जिसको कहते हैं कि ये भाग्य रूप में भाग्य कहलाता है। जो पिछले जन्म का पुरुषार्थ था, सेल्फ एफर्ट था, वो आपका भाग्य बन के इस जन्म आया है। पिछले जन्म का तात्पर्य कि अगला इमीडिएट पिछला जन्म नहीं, बल्कि अनंत पिछले जन्मों के का जो निचोड़ बन के आया है वो आपका भाग्य है। एक प्रकार से वो विधाता ने आपके माथे पर लिख दिया है। इसके लिए उत्तरदायी और कोई नहीं है, स्वयं जीवात्मा है। किसी को अचानक बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, उसी का प्रारब्ध कर्म है, और किसी को अचानक हानि हो जाती है, उसका प्रारब्ध कर्म है, और जब तक वो प्रारब्ध कर्म है उसके बाद में उससे वो शरीर ले लिया जाता, वो शरीर को छोड़ देता है। जैसे कपड़ा अगर या तो पुराना हो गया, पसंद नहीं आया तो उतार दिया, आउट ऑफ फैशन हो गया, और जब शरीर को अगर शरीर छोड़ने की भी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती उससे वो कपड़े उतार लिए जाते हैं। जैसे किसी हत्या की जाती है, कोई पंखे से झूल लेता है, कोई पानी में डूब जाता है,
वो सब उसके उसके जो प्रारब्ध करने हैं उनके अनुसार में उसको ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन जब ये प्रारब्ध कर्म अब यहां पर फलित होते हैं, क्योंकि बीज अगर जो प्रारब्ध कर्म के बीज हैं अब यहां पर उनका फलन होगा, जब बीज वो उगेंगे तो वृक्ष बनेगा, अब वृक्ष बनेगा तो उसमें वो जो बीज बनेंगे अब यहां पर वो कर्म, अभी ये तो प्रारब्ध कर्म हो गए और इनके माध्यम से जो आप अभी यहां पर अब कर्म कर रहे हैं उन्हें कहते हैं क्रियमान कर्म या आगामी कर्म। ये जो आगामी कर्म है इनका या तो कुछ फल आपको अभी मिल जाएगा तुरंत ही या कुछ समय बाद मिलेगा, और कुछ इसमें से जो है आपके अचेतन मन में और चले जाते हैं भविष्य के जीवन को बनाने के लिए। फल वो अवश्य देंगे, बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा, अगर वो पढ़ेगा नहीं, अगर प्रयत्न नहीं करेगा अर्थात वो जो आगामी कर्म है तो वो पास कैसे हो पाएगा, अगर पढ़ रहा है तो वो अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएगा। ये जो कर्म है, ये जो जो प्रारब्ध कर्म है, तीन प्रकार से कार्य करते हैं, इच्छा कर्म, स्वेच्छा कर्म और परेच्छा कर्म। इच्छा कर्म का तात्पर्य कि इच्छा आपकी है कि ऐसा काम हो जाए मेरे साथ में, मेरी नौकरी लग जाए, मैं किसी कंपटीशन में बैठूं और मैं जल्दी पास हो जाऊं, या मैं अपना एक बहुत बड़ा व्यापार खोलूं, या मैं किसी आश्रम को ज्वाइन कर लूं, या मुझे किसी संत की प्राप्ति हो जाए, या मैं बहुत बड़ा इलेक्शन जीत लूं। अगर वो आपके जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुकूल है उस कर्म के, तो आपको वो इच्छा कर्म के अनुसार में आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब ये इच्छा कर्म है आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये आपको हानि भी करा सकते हैं और ये आपको लाभ भी करा सकते हैं। दूसरा होता है परीक्षा। परीक्षा का तात्पर्य आपसे वो पुरुषार्थ करवाया जाता है किसी दूसरे के माध्यम से, आपको सफलता या हानि या लाभ जो मिलता है दूसरे के माध्यम से मिलता है। यहां भी आपके प्रारब्ध कर्म रेस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, आपके प्रारब्ध कर्म उस व्यक्ति को माध्यम बना कर करके दैव विधान में आपके लिए वो उस प्रकार का जो वातावरण है, उस प्रकार की परिस्थिति है, उसके लिए वो बनाने आ जाते हैं। तीसरा है अनिच्छा कर्म। अनिच्छा कर्म कि आप नहीं चाहते हैं सब ये चीज हमारे लिए हो, चाहे शुभ में हो या अशुभ में हो, लेकिन वो अनिच्छा कर्म भी अपने ही जो प्रारब्ध कर्म हैं उनके माध्यम से फलित होते हैं, तो आप ग्लानि हो जाती है ऐसा क्यों हुआ, या आपको आश्चर्य होता है मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे लिए कैसे हो गया, शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है ना, हो कैसे गया मेरे लिए, मुझे तो कभी आशा ही नहीं थी, पता नहीं क्या भगवान की कृपा हो गई, या क्या क्या मैंने क्या मतलब भगवान ने मेरे को दंड दिया, ये अनिच्छा कर्म हो गए। अब इनके माध्यम से फिर आपके अब कर्म बनते हैं, क्योंकि आगामी कर्म बन रहे हैं, क्रियमाण कर्म बन रहे हैं। अब ये जो क्रियमाण कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, इनमें तो आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन को आप कैसे उन्नत कर सकते हैं। उन्नत का तात्पर्य कि या अपना जो भौतिक उन्नति है अगले जीवन के उन्नत और कर सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, और जो महान जो लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इन आगामी कर्मों को जो अभी जो प्रारब्ध कर्म हैं, जब इनका फलन होता है इनके माध्यम से जो आगामी कर्म है, तो इन आगामी कर्मों को करने के लिए आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास में टोटल संकल्प शक्ति बिल्कुल आपको आपके पास में है। ये जो फ्री विल है, जो संकल्प शक्ति है, ये आपकी अपनी है। अगर आपने विवेक रूपी बुद्धि रूपी जो प्रकाश है या विवेक है उस प्रकाश का प्रयोग किया आपने, तो दैवी गुण के अनुसार में मानसिकता को आपने बदला, जैसे कि कोई अशुभ कर्म है उन अशुभ कर्म में आपको असफलता मिलती, बार बार ग्लानि होगी स्वाभाविक है, दुख भी होगा स्वाभाविक है, कठिनाई होगी स्वाभाविक है, अपमान होगा स्वाभाविक है,
किंतु बाहर से अपने प्रैक्टिकल लाइफ को मेंटेन करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को उन्नत करते रहने का प्रयत्न करते हुए भी आपके भीतर अगर ये रहा कि मैं तो ईश्वर के शरणागत हूं, जैसे ईश्वर मुझे घुमा रहा ठीक है मैं वैसे ही चलूंगा, जाहिर विधि राखेरा ताही विधि रही है, ऐसा करते तो आप उस विवेक के प्रकाश में आप अब उस समय में संतोष के तपस्या के, तपस्या आपकी बहुत भारी तपस्या हो जाती है, और वो तपस्या आपकी, वो तपस्या के माध्यम से जो आपके मन के भीतर से जो बाहर जो बहुत घने बादल लगे हैं वो जब हट जाते हैं तपस्या के भाव से, तो जैसे कि चंद्र पूनम का चांद निखर के आता है, तो वो जब स्थिति आपकी निकल जाती है तो आपको आश्चर्य होता है, एक आप में के भीतर एक अनंत मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। शारीरिक शक्ति की बात नहीं कहते हैं, क्षमा करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, धैर्य रखने की शक्ति, और ये शक्ति फिर आपकी उभर के जब आती है तो अगली बार जब वो ऐसी परिस्थिति और आती है तो आपकी उस समय में और भी आप अपने अपने प्रबल मानसिक शक्ति से उस परिस्थिति का बड़ी आसानी से सामना कर लेते हैं। या फिर दूसरा हो सकता है नेगेटिव वे में, अगर कोई दुखद स्थिति आती है तो निराशा हो जाइए, या तो आशा छोड़ दीजिए, प्रयास छोड़ दीजिए, पुरुषार्थ छोड़ दीजिए, दुख में डूब जाइए, शोक में डूब जाइए, निंदा में डूब जाओ, तो आपका जो फ्री विल है यहाँ भी फ्री विल है, ये जो ये कर रहा है ये भी फ्री विल है, इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं आप अपना जीवन को गुरुगोबर कर रहे हैं, आने वाले जीवन का आप जो है उसको दूषित कर रहे हैं। या सुख की स्थिति आ गई, अगर फ्री विल आपने पॉजिटिव लगाई तो जब सुख की स्थिति में आपको ये तो मेरे भीतर से आत्मा का आनंद है और मुझे विनम्र होना चाहिए, मुझे दयावान होना चाहिए, मुझे और ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास में कोई भारी चिंताएं नहीं है, मुझे और ईश्वर की ओर बढ़ते हुए सत्संग है, सेवा है, स्वाध्याय है, जप है, इसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी ओर जब आप नेगेटिव जाते हैं तो सुख की परिस्थिति में ये मैंने किया अंडर डोर, ईश्वर ही नहीं है, कहीं घूमने निकल गए, मौज मस्ती में निकल गए, बाहर में निकल गए, होटल्स में निकल गए, मार्केटिंग करने निकल गए, पैसा आया तो अनुचित सामान को उसे खरीद के ले आए, आडंबर वाला जीवन जीने लग गए, तो ये भी फ्री विल आपके पास में है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप इनको अगर आप उचित मार्ग में ले जाते हैं तो आपका फ्री विल उचित मार्ग में जाती है, और फ्री विल को अगर आप गलत यूज करते हैं तो वो देख ही रहे हैं आप संसार में जो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनको देखिए ना आप, उनको उनका मतलब प्रयोगशाला में देखिए उनको, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका जीवन बेकार नहीं जा रहा, आप अपने मनुष्य जीवन का पूर्णतया सदुपयोग कर रहे हैं।